फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फूड चैनल जो फ्लेवर्स मी। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुकिंग करना घर पे कितना इजी है। ये रेसिपी के साथ आप बहुत सारे इंडियन वेजिटेरियन डिशेस एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस घर पे इजीली बना सकते हो। जब आप ट्रैवलिंग करते हो, मॉर्निंग में जॉब के लिए निकलते हो, तब टिफिन मॉर्निंग में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये रेसिपी से आपका वो भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। बिकॉज ये डिश बना के आप चिलर में 1 वीक के लिए रख सकते हो, और जब भी आपको कोई न्यू प्रिपरेशन करना हो तो ये डिश निकाल के आप कुछ नई डिश बना सकते हो। लेट्स गो एंड चेक विद चेतन, वो अपने साथ कौन सी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रहा है जिससे आप घर पे इंस्टेंट खाना बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे रेस्टोरेंट स्टाइल करी मसाला। ये मसाला आपके किचन में आपको बहुत काम आएगा। ये मसाला यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के इंडियन डिश बना सकते हो। फॉर एग्जांपल चिकन मटन यूज करके, या प्राउन्स यूज करके, या वेजिटेरियन के लिए पनीर मशरूम या मिक्स वेजिटेबल, जो भी आपको पसंद आता है वो आप यूज करके ये मसाले से आप डिश बना सकते हो। ऑल पर्पस करी मसाला बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मशरूम शिमला मिर्च कैसे बनाते हैं सेम करी मसाला यूज करके। तो चलो आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ऑल पर्पस करी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें मैं क्यूमन सीड्स ऐड कर रहा हूँ। एक क्विक स्टर देके अब मैं ऐड करूंगा चॉप ऑनियन। ऑनियन को हमें स्लो फ्लेम में कुक करना है जब तक ऑनियन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारा ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे टर्मरिक एंड रेड चिली पाउडर। एक क्विक स्टर देके अब हम लोग ऐड करेंगे चॉप टोमेटो और इसको हम लोग स्लो फ्लेम में अच्छे से कुक करेंगे। 10-15 मिनट्स अच्छे से कुक होने के बाद आप देख सकते हो मसाले से साइड से ऑयल भी छूट गया है, इसका मतलब मसाला परफेक्टली कुक हो गया है। ऑल पर्पस करी मसाले को हम लोग अभी निकाल देंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में सेम मसाला यूज करके कैसे मशरूम शिमला मिर्च बना सकते हैं। मशरूम मार्केट से लाने के बाद उसको मिट्टी बहुत रहता है, हम लोग उसको नॉर्मल पानी में वॉश करते हैं फिर भी नहीं जाता। सो हेयर इज़ अ ट्रिक, हमें क्या करना है, मशरूम में मैदा ऐड करना है हल्का सा, फिर उसको अच्छे से मिलाना है। वाटर लेके मशरूम को अच्छे से 2-3 बार वॉश करना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है मशरूम को परफेक्टली क्लीन करने का। अभी हम मशरूम शिमला मिर्च बनाने के लिए तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। अभी मैं ऐड करूँगा क्यूमन सीड्स, चॉप गार्लिक एंड चॉप जिंजर। इसको हम 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे टिल गार्लिक हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। फिर हम ऐड करेंगे बेल पेपर क्यूब्स एंड ऑनियन क्यूब्स। यहाँ पे मैंने येलो बेल पेपर लिया है, आप कोई भी कलर का बेल पेपर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी हमें ऐड करना है चॉप ग्रीन चिल्ली एंड जो हमने ऑल पर्पस करी मसाला बनाया था वो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मसाले को हमें थोड़े टाइम के लिए कुक करना है तक ऑनियन कैप्सिकम अच्छे से कुक नहीं हो जाते। अभी मैं यहाँ पे जो हमने करी मसाला बनाया था उसी को ही मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इससे जो हम मशरूम शिमला मिर्च को बना रहे उस करी को अच्छा सा बाइंडिंग मिल जाएगा। अराउंड 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस सेम ऑल पर्पस करी मसाला ग्रेवी यूज़ करके आप चिकन या लैम बना रहे हो तो थोड़ा सा पेस्ट आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम इस मसाले को स्लो फ्लेम में कुक करेंगे अराउंड 5-6 मिनट। से मैंने आपको कहा था ये मसाला यूज़ करके आप कोई भी इंडियन डिश बना सकते हो। सो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मसाला, ये मेन बेस है करी बेस। इस मसाले में आप कुछ भी बना सकते हो, चिकन मटन प्राउन्स पनीर कढ़ाई पनीर आलू गोभी आलू मसाला पालक पनीर आलू अदरक की, जो भी आपको पसंद है
यहाँ पे आप ऐड करके आप बना सकते हो। एज अ डेमो आज मैं आपको मशरूम शिमला मिर्च देख रहा हूँ। इस करी बेस में इवन आप पनीर टिक्का मसाला भी बना सकते हो, चिकन टिक्का मसाला, वो भी आपको खाने का मन करता है आप एक ग्रेवी में ऐड करके आपका रेस्टोरेंट स्टाइल पसंदीदार खाना अभी घर में बना सकते हो। अरे ऑल पर्पस ग्रेवी ऑलमोस्ट पक्के रेडी है। अभी मैं यहाँ पे मशरूम ऐड करूँगा और इसको एक क्विकली स्टर देके सॉल्ट ऐड करूँगा। फिर हमें मशरूम को कवर करके अराउंड 5 to 6 मिनट कुक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मशरूम अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी हम लोग मशरूम शिमला मिर्च को फिनिशिंग करेंगे। हम ऐड करेंगे गरम मसाला, चाट मसाला, बटर। बटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हो या अवॉइड भी कर सकते हो। फ्रेश क्रीम, क्रीम भी ऑप्शनल है, आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए हमें फ्रेश चॉप कोरिएंडर यूज़ करना है और एक क्विक स्टर देके अभी हमारा मशरूम शिमला मिर्च बनके तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अभी आप घर पे डिफरेंट डिफरेंट इंडियन डिश बना के इंजॉय कर सकते हो।